वाला दही चम्मच पकड़ो। तेरे को वॉशिंग मशीन का डोर ही पता नहीं किस तरह बोलता। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैं उठ चुकी हूँ। और आज है चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज है 14 November। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और सर जी उठ चुके हैं, सर जी दूध लेके आ चुके हैं, मैं भी उठ चुकी हूँ। और अभी बच्चों को उठाना है, फटाफट से रेडी करके स्कूल भेजना है क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे। तो इनको उठा लेते हैं, पहले इनके लिए दूध बनाते हैं। चलो किचन में चलते हैं। की है और यहाँ हो चुका है बच्चों का दूध, रेडी हो चुका है। ये लवी के लिए पिंक पिंक, क्योंकि लवी को पिंक पसंद है। और ये है वंश का और ये लवी का, तो लवी को दे देते हैं। लवी तो लवी अभी पी रही है, फटाफट से सो रहा है। पानी गर्म और यहाँ हो रहा है दूध गर्म। और आज जो बच्चों के जो टिफिन में जा रहा है, पोहा, कांदे कट चुके हैं, मिर्ची कट चुकी है। और उनके पोहा के साथ जाएगा जो लड्डू बनाए थे चूरमे के, वो डाल देंगे। गुड मॉर्निंग, अले बाबू गुड मॉर्निंग। और ये उठ चुका है और यहाँ दोनों बच्चे पी रहे हैं दूध। हाँ, लवी का दूध हो चुका है और यहाँ वंश दूध पी रहा है। हैप्पी चिल्ड्रन डे, हैप्पी चिल्ड्रन डे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल हो चुका है और मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। उसमें मैंने डाल दिया है राई। और बच्चों को सिंपल ही अच्छा लगता है पोहा, ज्यादा ऐसा कुछ दाना परिकता वगैरह ये सब अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मूंगफली डाल रही हूँ और इसमें मैंने ऑनियन और जो मिर्ची थी वो भी डाल दी है। और ये सब अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे जरा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा मैंने चिली कम थी और ये राजस्थान की चिली है तो ये स्पाइसी कमी होती है। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग नमक, और यहाँ नमक डाल दिया है। फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर, हाँ 2 चम्मच शुगर डाल दिए। और इसे भी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, इस तरह से मिक्स करेंगे। और ये पोहा खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डालना करना पकाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सिंपल पोहा उनको ज़्यादा पसंद होता है। तो अच्छा से मिक्स हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। हो चुका है रेडी। लवी, नींबू डालू क्या? तो इसको नींबू भी नहीं पसंद है, इसको खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तो पोहा रेडी हो चुका है। तो गाइस, बच्चों का लंच रेडी हो चुका है। बच्चों के लंच में आज भेज रही हूँ मैं लड्डू और ये पोहा। तो लंच बिल्कुल रेडी है, फटाफट से पैक कर देते हैं जल्दी से। बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। क्या है? लवी के शूज पिंक है, लवी का बैग पिंक है, हाँ, और लवी का लंच बॉक्स पिंक है, लवी की ड्रेस ब्लू है। वेरी गुड, हैप्पी चिल्ड्रन डे। ले ले। तो यहाँ वंश भी रेडी हो चुका है। वंश, फटाफट से बैग लेके आ जाओ। हाँ, हाय, बाय। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और फटाफट से मैं बना रही हूँ चाय। सर जी आएंगे तब तक हम दोनों के लिए चाय रेडी कर दूंगी मैं। तो पानी मैंने ले लिया है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और चाय में मैं डाल रही हूँ अदरक, ताकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली चाय, तो मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया अदरक कूट के। फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है चाय, गर्मा गर्म मॉर्निंग चाय। और चाय के साथ साथ यहाँ भर रही है मेरी बकेट पानी की, फिल्टर की। मीन्स लाइक मैं जो नॉर्मल वाटर होता है उससे नहीं नहाती हूँ, उसके पीछे रीजन है यार। तो ये पानी की बकेट भर जाती है, तब तक मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। पानी भर चुका है और मैं फटाफट से लेके जा रही हूँ, और झाड़ू मैंने निकाल दिया है। तो क्लीनिंग हो चुकी है, अभी बस पोछा लगाना है जल्दी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी पी रही हूँ मैं चाय मॉर्निंग की। और अभी जो टाइम हो रहा है 9 o'clock, 9 बज रही है। 1 घंटा लगा, 8 बजे बच्चे गए,
और एक घंटे में सारा काम हो चुका है। अभी बस 1 आवर और चाहिए, 10 बजे तक जो भी मीन्स लाइक लंच वगैरह ये सब मैं रेडी कर दूंगी। और अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं और ये जो कपड़े बहुत सारे कपड़े मेरे को समेट के भी रखना है, तो ये बहुत सारा काम है। अभी फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद में अपने काम में लगते हैं जो डेली का जो वर्क है मेरा। तो अभी सर जी का है कटिंग करवाने, सर जी कटिंग करवा के आएंगे, तब तक मैं सब्जी वगैरह काट के रेडी कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए मॉर्निंग की टी। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन में और तैयारी हो चुकी है लंच की। तो आज बन रही है लंच में ये लौकी और साथ में ये थोड़े से करी पत्ते भी लाए, तो मैं इसे वॉश कर देती हूँ। करी पत्ता और ये धनिया, ये देखो कितना अच्छा है करी पत्ता और ये धनिया, मैं इनको वॉश करके अच्छे से और रख देती हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले लौकी वॉश कर देते हैं। लौकी का रायता तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले हम लोग जो ये करी पत्ते जो आए हैं इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और इस तरह से तोड़ के जल्दी जल्दी से इसको मैं रखने वाली हूँ इस बॉक्स में, जो कि है हमारे पास ये बॉक्स है, इसमें रख देंगे इस तरह से ताकि ये खराब नहीं होगा और लंबे समय तक ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो फटाफट से तोड़ के इसमें मैं सारे इसी तरह से रख दूंगी पत्ते को, और ये देख सकते हो और ये डायरेक्ट जाने वाला है फ्रीज में। तो गाइस जो भी मिर्ची है धनिया है पुदीना है सब मैं इसी तरह से रख देती हूँ कंटेनर में, और फटाफट से अभी हम लोग छीलने वाले हैं लौकी। तो गाइस आप देख सकते हो लौकी मैंने छील दी है और अब मैं ये वाली जो पूरी लौकी है इससे कस के और मैं बनाने वाली हूँ रायता। तो सबसे पहले इसको मैं इससे कस लूंगी अच्छे से, तो इस तरह से मैं ये सारी इसमें डाल दूंगी। तो आप देख सकते हो सारा मैंने डाल दिया है। तो लौकी हो चुकी है और मैंने लौकी कट कर दी है और आटा लगा दिया है, और फटाफट से जो लौकी है ना इसका पानी हमें निकालना। तो आप देख सकते हो सारा पानी इस तरह से मैंने निकाल दिया है सारी लौकी का। तो अब हम इसका बनाएंगे रायता। इस तरह से मैंने जल्दी से काम सारा कंप्लीट कर दिया है, अभी बनानी है बस मेरे को। देखो इसकी सब्जी, लौकी की सब्जी बनानी है, मैंने कट कर दी है और यहाँ पे मैंने लगा लिया है ये आटा। और यहाँ जो आज हम बनाने वाले हैं ना रायता, तो ये देख सकते हो ये रायता इसका मैंने पानी निकाल दिया है। और अभी पोहा पड़ा है, थोड़ा सा पोहा का नाश्ता करेंगे और फटाफट से ये सब काम कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितना जल्दी सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि यार काम ही ऐसा ना, अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो पूरा दिन इसी में हो जाएगा, किचन में चला जाएगा। अभी 1 बजे लव आ जाएगी और 3 बजे वंश आ जाएगा, तो उनको पढ़ाना 1 आवर उनको देना पड़ता है स्टडी के लिए। तो अभी जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं, वो आएंगे उससे पहले पहले जो मेरा काम है वो मैं करूंगी। देख सकते हो पूजा हो चुकी है माता रानी की, जय तन्नोट राय जी। और अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं, कपड़े निकालती हूँ मैं वॉशो मशीन से, तो फटाफट से कपड़े निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। वॉश हो चुके हैं तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ वॉश मशीन से जल्दी जल्दी। तेरे को वॉशिंग मशीन का डोर ही पता नहीं किस तरह घूमता है। ध्यान किधर है मेरा, हीरो इधर है मेरा, ध्यान किधर है। तो गाइस अभी बताया क्या हुआ था मेरे साथ में, भी ये हुआ था कि मैं ना ये जो डोर है ना उसको भूल गई थी और इधर से उधर कर रही थी डोर को, और ये हमारे कपड़े बिल्कुल वॉश हो चुके हैं। जय हो वॉशिंग मशीन देवी की। अरे इतने सारे कपड़े, अब मैं इसको सुखा के आती हूँ जल्दी। ये देखो देख लो बोली, और यू आया 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 ये देखो ये डरता है काली चीजों से डरता है ये देखो ये देखो, मैंने बोला ना ये तवे से डर रहा है, ये तवे से डर रहा है। हाँ डर रहा है ना तवे से, ये देखो भोंक रहा है। तो गाइस यहाँ पे सर जी काट रहे कांदे और तैयारी हो रही है लौकी की सब्जी की, तो ये सब्जी मैं बनाऊंगी लौकी की और सर जी बनाएंगे रायता, और उससे पहले सर जी प्याज काट रहे। चेतन क्या कर रहे हो? कांदा काट रहा हूँ।
क्या करोगे? सब्जी में डालेंगे। ऐसा क्या? तुम बनाओगे कि मैं बनाऊं सब्जी? तेरे को बनानी बना, नहीं तो मैं बना दूंगा। हाय भाई, ऐसा पति सबको दे। चलो मैं बनाती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रोटी भी बना दे मैं। नहीं रोटी मैं नहीं बनाऊंगी यार, मेरे हाथ जल जाते हैं। बना देना ना यार, सारा काम कर लेना। पे अपने अच्छे से जीरा और राई बुन चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं हम मिर्ची और प्याज। और इसके साथ में तैयारी हो चुकी है, मैंने दही ले लिया, दही में मैंने सारे मसाले डाल दिए, मिर्ची डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है। मैंने लौकी डाल दी है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो जो लौकी का हमारे दही वाली लौकी बना रही हूँ आज मैं, दही वाली लौकी का मसाला जो है ये अपना दही का मसाला, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी ये वाला मसाला इसमें जाने वाला है, पर उससे पहले हम लोग थोड़ी देर इसको पकाएंगे लौकी को। अपना मसाला वाला दही, चम्मच पकड़ो, गई डाला और इसको अच्छे से हिला रही हूँ। 5 मिनट तक, उकाली आने तक इसमें उकाली आ जाएगी अच्छे से, फिर इसे हम 2 सीटी लगा के उतार देंगे और ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, लौकी की सब्जी, वो भी दही वाली, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया, 2 सीटी के बाद में अपनी लौकी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे सब्जी बना रहे रायता, तो यहाँ पे हमने ले लिया है दही और दही में डाल दिया है हमने लौकी, और लौकी को अच्छे से क्या कर रहे हो? फेंट रहा हूं। फेंट रहे हो, तो सब्जी बना रहे रायता आज। तो सब्जी किस तरह से रायता बनाते हैं देखते हैं गाइस। देख सकते हो ये लौकी का रायता बन रहा है, और यहाँ पे सब्जी ने इसमें डाला है घी और जीरा, और इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, और ये इसी में रह जाएगा और काफी अच्छा लगेगा, तो आप देख सकते हो। तो इसमें बनी है दही वाली लौकी की सब्जी, और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है क्योंकि अभी बनानी है चपातियां। और ये आटा देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बन चुका है अपना रायता, और उससे पहले मैं करूंगी बर्तन साफ क्योंकि रोटी बनानी है, तो जल्दी से बर्तन साफ करते हैं और फिर रोटियां स्टार्ट करते हैं, तब तक अपना तवा गरम। तो फ्रेंड्स सब कुछ रेडी हो चुका है, बस रोटी और सेकनी है, तो रोटी सेकने से पहले मैं जल्दी से कर देती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि अभी रोटी बनाऊंगी ना यहाँ पे, तो पहले बर्तन तो साफ कर देती हूँ, तो थोड़े से ये बर्तन ज्यादा नहीं है। सो गाइज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियां, और फर्स्ट रोटी डाल दी है, तो जल्दी जल्दी ये रोटियां बना लेते हैं फटाफट से। भूख लग रही है? ओरियो को लग रही है, ओरियो को लग रही है। तो फ्रेंड्स ये आटा बहुत ज्यादा गीला हो गया, मेरे से रोटी नहीं बन रही है। मैंने बोला तेरे को नहीं, बहुत टाइट लगाया, ये रोटी नहीं बन रही बस। अरे ये गेहूं भी पता नहीं कैसे है मम्मी के, देखो कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स खाना हो चुका है रेडी, और मैंने क्लीनिंग भी कर दी है, और फटाफट से चलते हैं कि मैंने पोहे लिए कुछ थोड़े से, ऐसे बच्चों को पसंद है पोहा, पर मैंने भी ले लिया, मेरे को भी पसंद है, तो इसको गर्म कर लिया हल्का सा। और ये है आज का हमारा लंच, औरू बाबू उधर खा रहा है, ये देखो औरू को रख दी हमने रोटी, इसको रोटी पसंद है, और यहाँ हम लोग खाने वाले खाना। तो सर जी बैठ चुके हैं और यहाँ पे हम आ गए, डांस किया। अच्छा कैसा रहा डे आज का? अच्छा रहा। तो गाइस आ चुकी है लव स्कूल से, और ये क्या लेके आए हो? कुरकुरे? क्या दिया है? अच्छा चॉकलेट खा ली। मैम ने क्या दिया? मैम ने क्या दिया? ये ओरियो चिल्ला रहा है, और मैम ने दिया है इसको पेंसिल। ओ मैम को थैंक यू बोला। अच्छा लोगों की, बच्चों का, दोनों का दूध और मेरी चाय रेडी हो चुकी है। वंश दूध ले लो, कौन सा वाला है तेरा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर है वंश का, और पिंक कलर है लवी का, तो लवी ने और वंश ने ले लिया, और ये वाला है मेरा, मेरी चाय। आ जाओ फ्रेंड्स चाय पी लो, चलो आओ फटाफट से पढ़ाई करा देती हूँ तुम्हें। अभी बाय बाय, इतने जल्दी? तो गाइस चलिए चलते हैं, बच्चों को पढ़ाई करानी है, फटाफट से इनको स्टडी करा देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट वीडियोस एंड व्लॉग्स लेके आते रहेंगे, तो प्लीज डू लाइक।
लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप ही के लिए टाटा बाय बाय. सुबह मिलना, सुबह मिलेंगे. बाय.